हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में दिशा की बैठक समाहरणालय सभागार में हुई। शहरी जलापूर्ति योजना के तहत एलएनटी कंपनी द्वारा पाइपलाइन बिछाने के क्रम में सड़कों की खुदाई के बाद गड्ढों की भराई में लापरवाही पर एलएनटी कंपनी के प्रतिनिधि को 15 अगस्त से पूर्व सभी गड्ढों पेवर ब्लॉक की मरम्मत कराकर पूर्व की स्थिति लाने का अल्टीमेटम दिया गया। नगर निगम की अगुवाई में एक टीम बनाकर कंपनी को दिए निर्देश व कार्यों की निगरानी व प्रतिवेदन देने को कहा गया। बरही सहित जिला के अन्य प्रखंडों में निर्माणाधीन व लंबित जलापूर्ति योजनाओं, ग्रामीण सोलर जलापूर्ति की खराबी व अन्य अड़चनों को दूर कर जलापूर्ति शुरू करने का अल्टीमेटम पेयजल विभाग के कार्यपालक अभियंता को दिया। साथ ही साथ उप विकास आयुक्त को पेयजल स्वच्छता विभाग को दिए निर्देश व अनुपालन की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा जलापूर्ति योजना की निरंतरता के लिए उपयोगकर्ता की एक समिति बनाकर संचालन समिति बनाने के लिए जिला स्तर से पहल करने की सलाह भी दी गई। उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने कहा है कि छोटी मोटी मरम्मती का कार्य संचालन समिति या पंचायतों में उपलब्ध राशि से कराई जाएगी, वहीं बड़े मरम्मती का कार्य विभाग स्तर से कराई जाएगी। बिजली विभाग के द्वारा बिजली आपूर्ति सहित खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मती कार्य में विलम्ब होने के मामले पर अध्यक्ष दिशा के द्वारा निर्देशित किया गया कि नियमित रूप से बिजली बिल भुगतान के लिए लोगों को जागरूक करें, विभाग नियमित रूप से मीटर रीडिंग करें, लोगों की सुविधा के लिए कैंप लगावें, उपभोक्ताओं की समस्या के प्रति विभाग संवेदनशील व तत्परता दिखाएं। टाटी झरिया, झरपो, विष्णुगढ़ आदि प्रखंडों में संचरण लाइन के विस्तारीकरण योजनाओं की अड़चनों को दूर करने की समस्याओं को वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द समाधान करने में गंभीरता बरतने का निर्देश दिया। डीसी ने कहा सही तरीके से बिजली विभाग व वन विभाग समन्वय बनाकर निर्धारित प्रक्रिया अपनाएं व लंबित मामलों को जल्द निष्पादित करें। शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में निजी स्कूलों के संबद्धता के लंबित मामले के कारण छात्रों के भविष्य के विषय पर शिक्षा विभाग को 30 अगस्त तक 43 स्कूलों के आवेदन को निष्पादित करने को कहा गया। साथ ही साथ संबद्धता आवेदन को ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता के मामले की जांच करने सहित संबंधित कार्यकारी विभाग व एजेंसियों के संवेदकों से सड़कों को मरम्मत कराने, गुणवत्ता का पालन करने सहित जर्जर सड़कों की मरम्मत कराने की प्रक्रिया जल्द करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया। पैक्सों के माध्यम से धान खरीदी व भुगतान मामले की समीक्षा करते हुए पैक्सों में बिचौलिए किस्म के लोगों के द्वारा धान बिक्री की शिकायत मामले की जांच कर एक सप्ताह में प्रतिवेदन देने का निर्देश जिला आपूर्ति अधिकारी को दिया गया। निर्माण कार्यों व जनहित की योजनाओं में बालू खनन व परिवहन की समस्या पर जानकारी दी गई कि एनजीटी के गाइडलाइंस के कारण बारिश के मौसम में थोड़ी समस्या होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको पक्का मकान देने के उद्देश्य से संचालित योजना देने के लिए सूची तैयार करने के क्रम में चयन रहित जिला के 20 पंचायतों में पुनः सर्वे कर योग्य लाभुकों की सूची प्रशासन को उपलब्ध कराने का निर्देश सांसद ने दिया ताकि ग्रामीण विकास मंत्रालय स्तर पर प्रस्ताव भेजी जा सके। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण योजना में अवैध निकासी की शिकायत व अन्य तरह की अनियमितता मामले की जांच के लिए जिला व प्रखंडवार जांच समिति बनाने के प्रस्ताव की सहमति बनी। झील हजारीबाग में जलकुंभी के समस्या का स्थायी समाधान, झील व परिसर का इकोसिस्टम को बनाए रखने व समुचित रखरखाव की स्थायी व्यवस्था के लिए झील का मालिकाना हक मत्स्य विभाग से नगर निगम को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मत्स्य विभाग को 15 दिनों में भेजने का निर्देश जिला मत्स्य विभाग पदाधिकारी को दिया गया। पहली बात तो यह है कि शहर में आप सबको मालूम है कि एलएनटी का काम चल रहा है, कुनार डैम से पानी आ रहा है, लेकिन इस काम में कई सड़कों को एकदम ध्वस्त कर दिया गया है, पेवर जो है उनको हटा दिया गया है। तो आज बिल्कुल सख्ती से कहा गया एलएनटी को कि जल्द से जल्द 15 अगस्त तक ही जो जो सड़कों का इन लोगों ने इस तरीके से विनाश किया है उसकी मरम्मत हो, तो इस पे लंबी चर्चा। दूसरा मामला जो माननीय विधायक बरही जी ने उठाया कि बरही विधानसभा क्षेत्र में कई सारे पानी की टंकियां हैं जिनको बहुत सालों से बनाया गया है लेकिन पेयजल विभाग ने इनको चालू नहीं किया है, इस पे भी उनको जल्द से जल्द रिपोर्ट देना है। खासकर बरही चौक के पास ही जो टंकियां हैं वो नहीं चल रही, इस पे भी लंबी चर्चा है। तीसरी बात जिस पे हम लोगों ने बातचीत की कि कई सारे ऐसे हम लोगों के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें हैं जिनकी खराब हालत है, जिनका मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा है, इस पे एक जांच की जाए। अंतिम विषय जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा वो है शिक्षा का जो मामला। शिक्षा के विषय पे ऐसा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो लगभग 2 साल से स्कूल नहीं जा पाए हैं, जो भी शिक्षा हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है, कई लोगों के पास
मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं है। माननीय विधायक जी ने बताया कि 10-20% ऐसे बच्चे होंगे जिनका ऑनलाइन के द्वारा अभी शिक्षा किया जा रहा है। तो ये जब बच्चे जब आएंगे, जब स्कूल खुलेगा, तो इसकी तैयारी में जो पूरा जो शिक्षा विभाग है उसने क्या कार्यक्रम तैयार किए हैं, क्या सप्लीमेंटल एजुकेशन होगा, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सब जनप्रतिनिधियों की सोच ये थी। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचा। क्या फाइन, स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें, जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर, फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयां ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.